हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खान है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अवर लैंग्वेज स्कूल। मेरे एक दोस्त ने गुजारिश की थी कि आप स्पेनिश को हिंदी में सिखाइए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी जो भी कही हुई बात है मैं उसको हमेशा फॉलो करूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको बेहद ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वो क्या है? अगर वो वर्ड फेमिनाइन है तो उसके पहले आर्टिकल यूज होता है ला, ला। और अगर वो वर्ड मस्कुलिन है तो उसके पहले आर्टिकल यूज होता है एल, एल, एल। लेकिन समस्या तो यही है कि अब पता कैसे किया जाए कि शब्द फेमिनाइन है या फिर मस्कुलिन। सो उसके लिए भी मैं आपको आज एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से पता कर लेंगे कि शब्द फेमिनाइन है या फिर मस्कुलिन है। तो देखिए, अगर वो शब्द फेमिनाइन है तो उस शब्द के आखिरी जो शब्द होंगे वो होंगे, या तो वो शब्द ख़त्म होगा ए से, जिसको स्पेनिश में आ बोलते हैं, या फिर ए डी से, या फिर डी से, या आई ई से, या आई ओ एन से, या यू डी से, या फिर जेड से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ए, ए डी, डी और आई ई और आई ओ एन और ए डी, सॉरी यू डी या फिर जेड। अब इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सबसे पहला शब्द है कारपेता, कारपेता, ला कारपेता, ला कारपेता। इसका मतलब होता है द फोल्डर, फोल्डर बॉक्स। तो इसमें आप देख लीजिए शब्द एंड हुआ है आ से, आ से। इसका मतलब क्या है, हम आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, ला। ये शब्द कैसा है, ये शब्द फेमिनाइन शब्द है। अगला शब्द ला सालूद, ला सालूद, ला सालूद। इसका मतलब होता है द हेल्थ, द हेल्थ, द हेल्थ। अब इसमें देखिए यू डी, यू डी आखिरी में क्या है, यू डी। इसका मतलब क्या है, इसके आगे आर्टिकल लगेगा ला, और ये शब्द कैसा है, फेमिनाइन। नेक्स्ट है ला कारिदाद, ला कारिदाद। इसका मतलब होता है द चैरिटी, द चैरिटी। अब इसमें देखिए आखिरी शब्द क्या है, यस, एडी, एडी। इसका मतलब क्या है, इसके शुरुआत में आर्टिकल लगेगा ला, ला। अगला है ला इन्फॉर्मेशन, ला इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है द इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन। इसके आखिरी में शब्द वर्ड क्या है, लेटर्स क्या है, इसके आखिरी में लेटर है आई ओ एन, यस। नेक्स्ट इज ला Juventus, la juventus, la juventus का मतलब क्या है, the youth, the youth। अब एंड में क्या वर्ड है आप खुद बताइए, yes, UD, UD। इसका मतलब क्या है, ये शब्द फेमिनाइन है, इसके आगे आर्टिकल लगेगा ला। आखिरी la sencillez, la sencillez, la sencillez का मतलब होता है the simplicity, the simplicity। अब इसके आखिरी में कौन सा शब्द है, Z, yes, Z। इसका मतलब ये शब्द स्टार्ट होगा ला से, आर्टिकल इसमें लगेगा ला, ला। और ये शब्द कैसा है, फेमिनाइन। अब आती है मर्दों की बारी इसका मतलब है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे शब्द आप पहचानेंगे कि आखिरी में अगर उनके लगा हो ओ, या फिर ओ आर, या फिर ए एल, या फिर ए जे ई, या फिर ए डी ओ आर, तो ये शब्द कैसे होंगे, ये शब्द होंगे मस्कुलिन, मर्दाना शब्द। इनके आगे आर्टिकल लगेगा ई एल, जिसको हम पढ़ते हैं एल, एल। लेकिन उसके पहले फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, अगर शब्द के आखिरी में लिखा हो ओ, या फिर ओ आर, या फिर ए एल, या फिर ए जे ए, या फिर ए डी ओ आर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहला है एल ओलोर, एल ओलोर, एल ओलोर का मतलब होता है द स्मेल, द स्मेल। अब आखिरी में क्या शब्द आए हैं, ओ आर,
O-R. O-R का मतलब क्या है? ये शब्द मस्कुलिन है. और इस मस्कुलिन शब्द के आगे जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा L. दूसरा है L peso. L peso. L peso का मतलब होता है the weight, वजन. The weight. The weight. अगला शब्द है L arenal. L arenal. Arenal. Arenal का मतलब होता है the sand. The sand. अब इसके आखिरी में कौन सा शब्द लगा है? A L. इसका मतलब आर्टिकल लगेगा L. L E L L. अगला शब्द है और आखिरी है L resplandor. L resplandor. इसका मतलब होता है the glow. The glow. The glow. इसका मतलब आखिरी शब्द इसमें देखिए क्या लगा हुआ है. O R. O R. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक तो बनता है बॉस. सो प्लीज़ शेयर माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और ये ताकि उनको भी स्पेनिश सीखने का मौका मिले. सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए. और प्लीज़ हमेशा रिवीजन ज़रूर करिए. रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है. नमस्ते. बाय बाय. Please, all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big, big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.